वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर राधेश्याम तिवारी उत्तर प्रभा जीवन गौरव 2019 से सम्मानित हुए। सामाजिक साहित्यिक एवं शैक्षणिक संस्था उत्तर प्रभा द्वारा वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर राधेश्याम तिवारी को उत्तर प्रभा जीवन गौरव सम्मान 2019 से सम्मानित किया गया। संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर अमर मिश्र ने डॉक्टर राधेश्याम तिवारी की समाज सेवा में उल्लेखनीय कार्य को देखते हुए उन्हें उत्तर प्रभा जीवन गौरव 2019 से सम्मानित किया। उत्तर भारतीय महासेना के अध्यक्ष हेमंत पांडे तथा राजीव गांधी स्कूल मुलुंड के संचालक संजय दुबे के संयुक्त संयोजन में डॉक्टर तिवारी को सम्मानित किया गया। भारतीय सद्विचार मंच के माध्यम से अनेक सामाजिक कार्यक्रम करने वाले डॉक्टर तिवारी हर वर्ग की प्रेरणा स्रोत है। सम्मान समारोह में बड़ी संख्या में उत्तर भारतीय सहित अन्य भाषी लोग उपस्थित थे। इस मौके पर प्रमुख अतिथि पूर्व मंत्री चंद्रकांत त्रिपाठी, पूर्व मंत्री रमेश दुबे, विधायक प्रकाश सुर्वे, डॉक्टर हृदय नारायण मिश्र, हीरामणि पांडे, दिनेश चंद्र उपाध्याय पूर्व IPS, अमरनाथ पांडे, देवेंद्र तिवारी, पंकज मिश्र, डॉक्टर अमर प्रकाश दुबे समारोह अध्यक्ष विशाल पंडित, स्मृति चिन्ह प्रशस्ति पत्र साल श्रीफल देकर डॉक्टर तिवारी को सम्मानित किया। We'll be right back.
इतिहास रहा है। अगर समाज को बदलना है, देश को बदलना है, दुनिया को बदलना है, चाहे समाज हो, चाहे देश हो, चाहे दुनिया हो, जब तक युवा शक्ति को आप प्रोत्साहन नहीं देंगे, उनके कार्यों को आप सराहेंगे नहीं, उनकी पीठ नहीं झुक पाएंगे, तब तक न समाज बदल सकता है, न देश बदल सकता है। युवाओं सारी दुनिया में जब भी आप देखें क्रांति हुई है, बुजुर्ग लोगों ने भले नेतृत्व किया है, लेकिन उस क्रांति को, सामाजिक क्रांति को युवा लोगों ने ही समर्थन दिया है, मेरा दृढ़ विश्वास है। इसलिए मुंबई शहर एवं आसपास के परिसर में जितने भी युवा लोग हैं, आपको ताजुब होगा, सब मेरे मित्र हैं। बुजुर्ग मेरे मित्र नहीं है ज्यादा, युवा ज्यादा मेरे मित्र। आज के सम्मान में कई दिग्गज गए थे क्षेत्र से, क्या कहना चाहिए? सबका स्नेह मेरे ऊपर विगत 40 वर्षों से किसी ने सबसे मेरा संबंध रहा है, सबके साथ मैं तारतम्य बना करके समन्वय स्थापित करता हूँ, और एक तरह से देखा जाए तो उनके उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में, चाहे उनका सामाजिक उद्देश्य रहा हो, राजनीति रहा हो, जहाँ मुझे अच्छा लगा कि उनके उद्देश्यों को इनके साथ रह करके इस समाज का भला होगा, मैं ऐसे सबके साथ रहा हूँ, और राजनीति के क्षेत्र में चुकी रहा हूँ, सबसे मेरा संबंध है। दो सब उत्तर प्रभा संस्था के लिए जिन्होंने आयोजन किया और जो विगत कई वर्षों से ऐसे काम करते हैं। बहुत सारी संस्थाएं मुंबई शहर में हैं उत्तर भारतीयों के नाम पे, और सब लोग कहते हैं, सबका एक सपना होता है उत्तर भारतीयों का एक बड़ा जुमा होना, बड़ी गैदरिंग सीमा पार्क में हुआ, तो वहाँ से जो मैसेज जाएगा पूरे देश में तो हलचल मच जाएगा। उत्तर प्रभा एकमात्र ऐसी संस्था है आज से 8-10 साल पहले जिन्होंने शिवाजी पार्क में कार्यक्रम करने का साहस जुटाया, और सफल कार्यक्रम था। मेरा सौभाग्य है कि मैं उस कार्यक्रम में उपस्थित हूँ। समाज में कई लोग कार्य कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके का कार्य आदरणीय डॉक्टर राधेश्याम तिवारी जी विगत कई वर्षों से समाज के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिए, अपनी अच्छी खासी चलती हुई डिस्पेंसरी को बंद कर दिए और समाज के हर वर्ग तक पहुंचने के लिए चाहे जितनी दूर इनको जाना पड़ता हो, स्वस्थ है या नहीं स्वस्थ है ये कोई नहीं देखता है, लेकिन आप अस्वस्थ होते हुए भी लोगों का कार्यक्रम नहीं छोड़ते हैं। आज विगत कई वर्षों से आप सब लोगों का सत्कार करते हुए चले आए थे, तो हमारी उत्तर प्रभा संस्था ने और हेमंत पांडे जी, संजय दुबे जी, संदीप पांडे जी, रविंद्र तिवारी जी, गुलाब सिंह जी, बाकी सब लोगों ने मिलकर के ये तय किया कि नहीं, हम लोग डॉक्टर राधेश्याम तिवारी जी का बहुत ही जोर शोर से सत्कार करेंगे जो है उनका, ताकि अच्छे लोग और अच्छे लोग जो काम कर रहे हैं समाज के लिए उनको प्रोत्साहन ना मिले कि मैं और अच्छा काम करूं, ताकि कोई और संस्था मेरा भी सत्कार कर सकता है। ये उद्देश्य हम लोगों ने डॉक्टर साहब का सत्कार किया है। ये मेरे वजह से कम आए हैं, डॉक्टर साहब का इतना बड़ा व्यक्तित्व है कि हमने जब बताया कि हम लोग आपका सत्कार कर रहे हैं तो लोगों ने समय निकाल करके उत्तर प्रदेश से भी यहाँ आने का कष्ट किए, जो भी अतिथि हमारे यहाँ आए उत्तर प्रभा संस्था को आशीर्वाद दिए, आदरणीय डॉक्टर साहब को आशीर्वाद दिए, मैं उन सभी अतिथियों का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, आपके माध्यम से धन्यवाद देता हूँ। संस्था आज जैसे काम करते चली आई है ऐसे आगे भी काम करते रहेगी। उत्तर प्रभा संस्था जैसे गरीब लोगों के लिए जो है, कोई भी लड़का, अगर जैसे मैंने अपने भाषण बताया कि अगर कोई भी लड़का प्रोफेशनल कोर्स कर रहा है, मेडिकल में पढ़ रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है, आर्किटेक्ट पढ़ रहा है, अगर वो मेरिट बेसिस पे गया हुआ है तो अगर वो उत्तर प्रभा संस्था को कॉन्टेक्ट करेगा तो जो भी सहयोग होगी जितना बन पड़ेगा, उत्तर प्रभा संस्था हमेशा सबको कुछ न कुछ देता है, खाली हाथ किसी को नहीं जाने देता है। कैंसर पीड़ित उसका एक लिमिटेशन है, हर ये नहीं कि उसका सारा खर्चा वहां कर लेगा, लेकिन किसी को खाली हाथ नहीं जाने देता है।
और ये करते रहेगा। और डॉक्टर राधेश्याम तिवारी जैसे व्यक्ति जो समाज के लिए समर्पित रहेंगे उनका भी आगे हम लोग सत्कार करेंगे। मुंबई शहर में अक्सर लोग 10 बजे तक का लिमिटेशन होता है कि खाना खा करके लोग निकल जाते हैं, लेकिन इस समाज के लिए जो डॉक्टर राधेश्याम तिवारी जी का समर्पण रहा है, जो उनका योगदान रहा है, और उन सबसे बढ़कर के उनके प्रति लोगों की जो भावना रही है, सद्भावना रही है, जो उनके प्रति लोगों का प्रेम रहा है, उसके वशीभूत लोग आज यहाँ पर इतनी देर तक रुके हैं। क्योंकि डॉक्टर राधेश्याम तिवारी हमारे उत्तर भारतीय समाज के शिरोमणि हैं। डॉक्टर राधेश्याम तिवारी के बारे में भी सारे रति महारथी लोगों ने जितना ही बोला, और हमारे जैसे लोग बोलेंगे काफी कम है, उनके लिए शब्द अधूरे। जिस व्यक्ति ने 40 वर्ष पूरे अपने जीवन का समाज के लिए दिया, कहीं भी कुछ प्रोग्राम हो तो डॉक्टर राधेश्याम तिवारी जैसे व्यक्ति सबके दुख सुख में पहुंचने वाले व्यक्ति है। आज हमने सम्मान इनका ही क्यों किया, समाज में बहुत से लोग हैं, बहुत अपने आप को समझते, लेकिन इनकी समाज के प्रति जो एक त्याग की भाव है और सबके बीच में खड़े होने का जो एक इनके अंदर है मधुर भाषी है, कभी किसी को उन्होंने ऐसा ताव में बोला नहीं होगा, इनकी वाणी से ही लोग आकर्षित होते। जैसे पंकज मिश्रा जी ने बोला कि कितना भी गुस्सा हो जाए बाद में एक शब्द बोल देते तो वापस से सब लेवल सेवल हो जाता है। तो ऐसे हमारे मधुर भाषी डॉक्टर साहब हमको काफी दिनों से चर्चा में थे, संजय दुबे जी, अमर मिश्रा जी बोल रहे थे कि करना है करना है, और आखिर एक घड़ी आ गई जिसमें काफी हमको पापड़ बेलने पड़े, ऊपर नीचे का ऐसा हुआ कभी करना नहीं करना, लेकिन लास्ट में एक ही निर्णय, कुछ भी हो जाए करना है तो करना है और धूमधाम से करना, और ऐसा करना है कि टाइम पास वाला प्रोग्राम नहीं है, कि क्वालिटी वाला जो भी व्यक्ति इसका साक्षात बना है वो लंबे समय तक याद करेगा कि उनका सम्मान जो हुआ था वाकई वो देखने लायक सम्मान था, और समाज ने भी इसको सराहा। बस इतना बोल के निवाणी कर।